ये कहानी जैसे स्टार्ट होती है, हम एक आदमी विक्टर फ्रैंकस्टीन को देखते हैं, जो एक मेडिकल स्टूडेंट है और ये अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं। एक रात वो सर्कस जाते हैं, जहाँ पर एक खूबसूरत लड़की अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही होती है और इसी परफॉर्मेंस के दरमियान ये लड़की काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से इसे काफी ज्यादा चोट आ जाती है। यहीं पर हम इगोर को देखते हैं, जिसको कुछ बैक प्रॉब्लम है और इसकी कमर झुकी हुई होती है और इसकी वजह से वो सही से चल नहीं पाता। ये इस लड़की को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। गिरने की वजह से ये लड़की सांसें भी नहीं ले पा रही थी। इगोर समझ जाता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है और उसे कैसे ठीक करना है। इगोर को ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर की काफी ज्यादा नॉलेज होती है और इसे ये इसलिए होती है क्योंकि वो एक कुबड़ा इंसान था और उसकी कमर झुकी हुई थी और उसे ठीक करने के चक्कर में उसने काफी ज्यादा स्टडीज कर रखी थी। उसके पास डिग्री तो नहीं थी, लेकिन वो किसी डॉक्टर से कम भी नहीं होता है। कुछ ही देर में वो उस लड़की की जान बचा लेता है और वो लड़की दोबारा से सांसें ले पाती है। विक्टर फ्रैंकस्टीन भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं और काफी हैरान होते हैं। वो इगोर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया। वो बताता है कि मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी है। विक्टर उसे कहता है कि तुम इस सर्कस में अपना वक्त जाया मत करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी नई जिंदगी बना दूंगा। ये सब बातें वहाँ का रिंग मास्टर यानी वहाँ का मालिक भी सुन लेता है। उसको बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि इगोर वहाँ से जाना चाहता है। वो एक पिंजरे में बंद कर देता है और उसको धमकी देता है कि अगर तुमने यहाँ से बाहर जाने की कोशिश भी करी तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। और वो कहता है कि तुम मेरे गुलाम हो और तुमने जितने भी ह्यूमन बॉडी की एजुकेशन हासिल करी है वो सब एक चोरी की बुक से करी है और पुलिस को जरा भी वक्त नहीं लगेगा तुम्हें पकड़ने में। अभी कुछ वक्त गुजरा ही होता है कि विक्टर वहां पर आ जाते हैं और वो इगोर को उस पिंजरे से आजाद करके भगाने लगते हैं। तभी सर्कस वाले दूसरे लोग भी उन्हें देख लेते हैं। वो उनका पीछा करते हैं, लेकिन काफी मुश्किल से उन सब से बचते हुए इगोर को सही तरीके से अपने घर वो ले आते हैं। उसका वहां पर पहुंचते ही सबसे पहले वो विक्टर कुछ इंजेक्शंस और दवाइयां उसके कमर के अंदर इंसर्ट करते हैं, ताकि उसके बॉडी में जो कमर के पास जितनी भी गंदगी मटेरियल थी वो बाहर आ सके और उसका बॉडी पोस्चर ठीक हो सके। और यहाँ पर इगोर ठीक भी हो जाता है और वो पहली दफा सही तरीके से खड़ा हो पाता है, यानी कि अब वो कोई कुबड़ा इंसान नहीं होता, वो सही से चल भी सकता है। दूसरी तरफ हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो एक लोकल कत्ल और इगोर के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। विक्टर इगोर को बताते हैं कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसका नाम है रिवर्सल ऑफ डेथ, जिस पर मुझे बहुत काम करना है। मैं मरे हुए जानवरों और इंसानों को जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत काम करना पड़ेगा और तुम मेरी हेल्प करोगे। यहाँ पर वो एक कंटेनर में इंसानों की आंखें भी दिखाते हैं, जिसमें से जब वो करंट पास करते हैं तब वो आंखें मूव करने लगती है। लेकिन इगोर वो इतना स्मार्ट होता है कि यहाँ पर वो विक्टर की एक गलती को ठीक करता है। वो उसे बताता है कि तुमने आंखों की नर्व्स को सही तरीके से अटैच नहीं किया। तो वो विक्टर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसने उसकी गलती को ठीक करा है। उसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाता है। अब वो इगोर को अपना असिस्टेंट बना लेता है और कुछ वक्त गुजरने लगता है और वो यहाँ पर ये दोनों मरे हुए जानवरों के बॉडी पार्ट को जिंदा करने लगते हैं। ये दोनों डिफरेंट बॉडी पार्ट की मदद से एक जाइंट चिंपैंजी बनाना चाहते हैं, जो कि एक मॉन्स्टर से कम नहीं होगा। ये साइंस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते थे। काम खत्म करने के बाद विक्टर और इगोर एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर इगोर उसी लड़की से मिलता है। वो लड़की उसे पहचान तो नहीं पाती, लेकिन इगोर उससे उतना ही मोहब्बत करता है। यहाँ पर विक्टर उनको उसी लड़की से दूर रहने को कहते हैं। वो बताते हैं कि वो लड़की तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन है, तुमने अगर सारा फोकस उस लड़की पर दे दिया तो तुम काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। अब ये दोनों अपने घर पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हम पहली दफा उस मॉन्स्टर चिंपांजी को देखते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रिक वायर से जकड़ा हुआ होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी गुजारने का टाइम है। इस मरे हुए चिंपांजी से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाती है, जिससे कि वह फिर से जिंदा हो सके। इगोर काफी कंफ्यूज हो रहा होता है, लेकिन उसकी कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाती है जब मरे हुए चिंपांजी मूव करने लगता है।
यानी कि इनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। अगले ही दिन विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए यूनिवर्सिटी के लिए जाता है। वहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल तो आती है जब वो चिंपैंजी जिंदा होता है। वो इधर उधर अटैक करने लगता है, लोगों को नुकसान पहुँचाने लगता है, जिसको देखते हुए विक्टर अपने ही बनाए हुए चिंपैंजी को मार देता है। और फिर विक्टर को उसकी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसने अनकन्वेंशनल मेथड्स को इस्तेमाल किया था। और वहीं पर उनके कुछ क्लासमेट्स भी होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, काफी रिच होते हैं। वो विक्टर को कहते हैं कि हम तुम्हें फंडिंग देंगे, तो तुम इन एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू रखो। और ये भी कहते हैं कि तुम हमारे लिए आर्टिफिशियल क्रिएचर्स बनाओगे, जो कुछ ऐसे क्रिएचर्स होंगे जिसे हम अपने मुताबिक क्रिएट कर सके और वो हमारे मुख्तलिफ कामों में हेल्प कर सके। उसके अलावा काफी पैसे भी ऑफर करते हैं। और यहाँ पर हम इगोर को देखते हैं और वो नहीं चाहता कि वो उन लोगों के साथ काम करे। यहाँ पर विक्टर इगोर को नजरअंदाज कर देता है, यानी कि इग्नोर कर देता है। रिच क्लासमेट्स के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और इगोर भी उसकी हाँ में हाँ मिला लेता है, क्योंकि विक्टर ने उसको नई जिंदगी दी थी, उसकी कमर ठीक करी थी और उसको जान भी बचाई थी। विक्टर ने इगोर पर काफी एहसान किया होता है, जिसकी वजह से इगोर को विक्टर का साथ देना पड़ता है। अगले दिन वही पुलिस विक्टर के घर आते हैं ताकि वो इस केस की जांच कर सके। उन्हें ये भी पता चल गया था कि यूनिवर्सिटी में चिंपैंजी को जिंदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस पुलिस ऑफिसर के पास घर चेक करने की कोई वारंट नहीं थी, तो विक्टर उन्हें अपना घर चेक करने नहीं देता और वो वहाँ से मायूस होकर वापस चले जाते हैं। यहाँ पर इगोर उस सर्कस वाली लड़की से मिलने जाता है, जिसको वो प्यार करता है। वो लड़की इगोर को समझाती है कि तुम विक्टर को मना करो कि वो ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करे, वरना वो फिर से कोई मॉन्स्टर बना देगा। वे दोनों बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और वहाँ से जब इगोर वापस घर आता है तो वो देखता है कि वो पुलिस वाले और उसके कुछ साथी उसके घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिर इगोर दूसरे दरवाजे से अंदर जाता है और विक्टर को भागने के लिए कहता है। उसे बताता है कि तुम्हारे इन्वेस्टर, तुम्हारे क्लासमेट्स ने हमारे भागने के लिए इंतजाम कर दिया है, लेकिन विक्टर वहां से नहीं भागता और वो सारी मशीनरी को तोड़ने लगता है ताकि वो मशीनरी किसी दूसरे के हाथ में ना आए। थोड़ी देर में वो पुलिस वाला अंदर आ जाता है। वो उनको गन दिखाकर रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नहीं रुकते। उस पुलिस ऑफिसर और विक्टर की आपस में लड़ाई भी होने लगती है और काफी लड़ाई के बाद विक्टर उसको धक्का देता है, जिसकी वजह से ऑफिसर का हाथ एक बड़ी सी गियर में चला जाता है और उसका एक हाथ कट जाता है। अब पुलिस वाले का एक हाथ नहीं होता और वहीं दूसरी तरफ ये दोनों एक कैरियर में, यानी कि घोड़े वाली बग्गी में बैठकर अपनी उसी दोस्त के पास चले जाते हैं, यानी कि जिसने प्रोजेक्ट का फंड किया था। यहाँ पर विक्टर का दोस्त यानी कि इन्वेस्टर इनको बहुत पैसे देता है। वो उनसे कहता है कि तुम मेरे प्रोजेक्ट पर काम करो, एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाओ, क्योंकि अब यहाँ पर काम करना सेफ नहीं था। तो वो इन्वेस्टर उन्हें कहता है कि तुम स्कॉटलैंड चले जाओ, वहाँ पर मेरा एक फैमिली बंगलो है, वहाँ पर तुम खामोशी से खुलकर काम कर सकोगे। यहाँ पर इगोर फिर से उसे कहता है कि तुम इन चक्करों में ना पड़ो। विक्टर उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और स्कॉटलैंड के लिए चला जाता है ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट में काम कर सके। जैसे ही वो चला जाता है, रिच इन्वेस्टर इगोर के पास आते हैं और कहते हैं कि जैसे ही एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा वो विक्टर को मार देगा और उसे बनाए हुए आर्टिफिशियल ह्यूमन को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल होगा तो ना ही उस पर गोली असर करेगी ना ही मार पाएगा कोई उसे, और वो मेरे हुक्म पर चलेगा। ये सब बताते ही इगोर को हाथ पैर बांध कर पानी में फेंक दिया जाता है, लेकिन काफी मुश्किल से इगोर अपनी जान बचाते हुए वो रस्सी खोलकर वहां से बाहर निकल आता है। वो उसी सर्कस वाली लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि विक्टर की जान खतरे में है।
हमें उसकी जान बचानी होगी। और ये दोनों मिलकर स्कॉटलैंड चले जाते हैं ताकि विक्टर को बताया जा सके कि उनकी जान खतरे में है। और यहाँ पर पहुँचते ही वो सब कुछ विक्टर को बताते हैं कि तुम्हारे साथ खेला जा रहा है और तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी विक्टर इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखता है, क्योंकि वो एक सीक्रेट बताता है कि बहुत साल पहले एक तूफान आया था जहाँ पर मेरे बड़े भाई की मौत हुई थी और इस मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानता था। और इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो अपने बड़े भाई को जिंदा करना चाहता था। और कुछ देर में वो इन्वेस्टर और पुलिस ऑफिसर वहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ विक्टर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान वहाँ बहुत ज्यादा बिजली इकट्ठी हो जाती है जिसकी वजह से हर तरफ तबाही मचने लगती है, हर चीज तबाह होने लगती है और विक्टर की मशीन भी ब्लास्ट हो जाती है। और ब्लास्ट की वजह से इन्वेस्टर वहीं पे मर जाता है। और पुलिस ऑफिसर कहता है कि इन सब तबाही के जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसी बातचीत के दौरान विक्टर के द्वारा बनाया गया वो मॉन्स्टर अपनी जगह से मूव करने लगता है। विक्टर खुश होता है और वो सोचता है कि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो रहा है। विक्टर उस मॉन्स्टर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो मॉन्स्टर कुछ भी नहीं बोलता और अपनी जगह पर खड़ा रहता है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। वो घबराहट में अपनी गन निकालता है और उस मॉन्स्टर की तरफ शूट कर देता है जिससे कि उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो मॉन्स्टर पुलिस के ऊपर अटैक कर देता है और उसको मार देता है। और वो मॉन्स्टर विक्टर और इगोर से भी लड़ने लगता है और उनको भी नुकसान पहुंचाने लगता है। लेकिन आखिरकार काफी लड़ाई के बाद वो दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। एंड पर विक्टर को एक समुंदर के किनारे बैठा हुआ दिखाया जाता है और वहां इगोर को वो एक लेटर लिखता है जिसमें लिखा होता है कि तुम उस लड़की से मिल सकते हो। शुरू में विक्टर ने उसे मिलने से मना कर रखा था और लेटर में विक्टर ने इगोर से माफी भी मांगी होती है क्योंकि इगोर बार बार उसे मना कर रहा होता लेकिन उसने उसकी एक बात नहीं सुनी थी। और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम ये वीडियोज़ अपलोड करें आप उसे देख पाओ। थैंक यू।